खुशी से मिलने में जी आज हुआ, बहुत प्यारी। अरे थैंक यू। ये बड़ा आध्यात्मिक है जी, ये आपकी पसंद थी क्या? जी ये इन दोनों की पसंद है। इनफैक्ट इनके पूरे कलेक्शन में पारस एंड सोनम ने जो कलर्स यूज़ किए हैं, आप देखेंगे कि आजकल ज़्यादा लोग इनका यूज़ नहीं करते हैं। बर्गंडी, रोज़, मिडनाइट ब्लू, या एंड इनके आप अगर इनका कलेक्शन देखेंगे, द कलर द चॉइस हैज़ बीन सो अमेजिंग। और इनका कलेक्शन पैरिस से इंस्पायर्ड है, जो इज़ इट्स नोन एज अ सिटी ऑफ लव, एंड डूइंग फुल जस्टिफिकेशन टू दैट। इनका पूरा कलेक्शन बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही रोजी है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही डेलिकेट लगा। आई कांट रियली एक्सप्लेन इट, आई थिंक दे विल, बट इट्स जस्ट ब्यूटिफुल टू वेयर। ऑनेस्टली मैम ड्रेस के लिए बनी है, सो शी यूजली कैरीज ऑफ आर आउटफिट सो वेल, एंड दिस आउटफिट वॉज पर्टिकुलरली माइंस एंड सोनम्स चॉइस टू मेक हर वेयर इट एंड मेक हर लुक गॉर्जियस एज ऑलवेज, सो दैट्स अबाउट इट फॉर हर। नो आई थिंक वी ऑलवेज कीप हर, अच्छा हम लोग उनका पर्सनैलिटी माइंड में रखते हुए यू नो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, बट एंड स्पेशली फॉर भूमि, लाइक शी लुक्स गॉर्जियस इन एवरीथिंग इन सॉ, एंड शी हैज़ वो बहुत सॉ पहने हैं पहले भी वेडिंग्स में और वो सब, तो हमको पता है कि उनको क्या पसंद है, उनको किस क्या उन पर क्या अच्छा लगता है, तो ऐसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। राजा हिंदुस्तानी जो फिल्म है उसमें करिश्मा कपूर ने एक रेड शॉर्ट ड्रेस पहनी है, क्रिस क्रॉस मतलब हाँ, आई मीन आई थिंक सो, आई रिमेम्बर इट वेगली, और वो बहुत ही बड़ी रेज बन गई थी ड्रेस विद अ रेड कैप, और वो मैंने एग्जैक्ट आउटफिट ख़रीदा था, मैंने इतना पहना, एंड आई स्टिल हैव इट, इट्स लाइक अ वेरी गुड, मेरी बचपन की एक बहुत ही प्यारी मेमोरी है कि मैं बचपन से काफ़ी शौक था मुझे सजने का, सवरने का। इनफैक्ट जो मेरी बहनें थी वो हमेशा मुझे मेकअप लगा के फ़ोटोज़ खींचती थी, मैं काफ़ी छोटी थी इसलिए। दो तरह की तबीज होती है, एक तो एक घर सुंदर दिखती है, एक जो बहुत अच्छे से फिट आती है, बहुत कम्फर्टेबल। सर मुझे लगता है दोनों, लाइक मैं कम्प्लीटली बिलीव करती हूँ कि कभी कभी फॉर वैनिटी थोड़ा डिसकम्फर्ट आपको सहन करना पड़ता है, पर मुझे लगता है इट्स ऑल ओके, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप वो फोटो देखते हैं आपको लगता है ओ माय गॉड इट्स सो वर्थ इट, राइट? तो मुझे लगता है इट डिपेंड्स एंड इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, कि आप जो भी कहें, बल्कि इनके इंडियन कपड़े बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं। मैंने हमेशा कहती हूँ कि तुम्हारे इंडियन कपड़ों में मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती है, मैं मतलब बारात में 4 घंटे भी नाच सकती जो मैंने इनके कपड़ों में किया हुआ है। लेकिन आई थिंक कंफर्ट एंड स्टाइल दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इस दुनिया में, धरती पर कोई एक ऐसा इंसान या कोई भी एक जन जिस पे कुछ भी सूट होता है और आप हमेशा से एडमायर? आई थिंक सोनम, आई थिंक मैंने कभी उन्हें कुछ ऐसा पहनते हुए नहीं देखा है। इनफैक्ट जहाँ पे मुझे लगा कि शी जस्ट लुक्स, शी जस्ट कैरीज एवरी, मैं वो जेन्युइनली स्टाइल क्वीन है। आई थिंक मैं बहुत एडमायर करती हूँ उन लोगों को जो अपने स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली लगता है यू नीड अ लॉट ऑफ करेज, एंड नाउ दैट मैं एक एक्टर हूँ और मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, तो मुझे अब समझ आता है कि एक लुक में कितनी मेहनत जाती है। तो मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही आप फैशन में आगे बढ़ेंगे और वैसे ही हमारा फैशन भी इवॉल्व होगा। तो आई थिंक कीप एक्सपेरिमेंटिंग, क्वर्की रहिए, न्यू रहिए, कॉपी मत करिए किसी को। जी आई वांट टू विश देम द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मैं हर साल जब इनका या हर सीजन इनका कलेक्शन देखती हूँ, दे कीप सरप्राइजिंग मी, क्योंकि मैं हर बार सोचती हूँ अब क्या करेंगे, यू नो, बट इनका जो कलेक्शन है उसमें इट्स वेरी यंग, बहुत ही वेयरेबल है। आपकी खुद शादी हो रही हो या ब्राइड या ग्रूम के रिलेटिव्स हो, जो भी हो, इनके कपड़े बहुत ही वर्सेटाइल है, एंड they are very grand but at the same time they are very comfortable, it's just perfect, and I want to wish them a lot of love and a lot of luck, aur aisa hi behtareen kaam karte rahiye।
जैसे कि मैं बोलूं अपने कहा कि सोने में कैसे ड्रेस है, जो कुछ भी पहने जी उनके अच्छा लगता है जी। व्यूअर्स और आपके फैंस का मानना है कि भूमि चाहे वेट पुट ऑन करें, वो हमेशा ही प्यारी दिखती है। थैंक यू, दैट्स सो स्वीट। आने वाले गेस्ट क्या कहें जी, अगर आप मेरी वेट के बारे में पूछे तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल तो मनमर्जिया बहुत ही जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे एंड दे आर फ्यू मोर अनाउंसमेंट्स, बट मैं ना सर नहीं बता सकती थोड़ी सिचुएशन है तो, पर आप लोग को बहुत जल्द पता चलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।